बच्चों इस बात को तो आप समझ चुके हैं कि कीमियाई तामल के दौरान मादा ना तो फना होता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। ये सिर्फ अपनी तरकीब और शक्लो सूरत ही तब्दील कर सकता है। इसे कानून बकाए मादा कहते हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत मजीद कर देते हैं, आइए देखते हैं। आइए इस कानून को एक और तजुर्बे की मदद से साबित करते हैं कि एक कीफ में सोडियम क्लोराइड यानी खुर्दनी नमक का आबी महलूल लें। दाएं तरफ वाली बोतल है कीफ है, इसमें हमने खाने के नमक का महलूल लिया यानी खाने के नमक को पानी में घोलकर इस बोतल में डाला जो दाएं तरफ वाली तस्वीर में जाहिर है। एक छोटी इम्तहानी नली लेकर इसमें सिल्वर नाइट्रेट का आबी महलूल डालें। छोटी इम्तहानी नली, देखें इस बोतल के अंदर एक छोटी सी नली है, उसके अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट, ये भी नमक है, इसको पानी में घोलकर डाला और शक्ल के मुताबिक धागे से बांधें जिस तरह के नज़र आ रहा है। इस कीफ को तराजू पर रखकर इसका तोल मालूम करें। ये देखें तराजू के ऊपर पड़ी हुई है, इसका तोल मालूम करना है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब धागा खींचकर दोनों महलूल मिलाएं, जैसा कि बाएं तरफ वाली तस्वीर में दिखाया गया है। धागा खींचा तो छोटी नली में से महलूल गिरकर जो बोतल में महलूल था उसके साथ मिल जाएगा। इनके दरमियान कीमियाई मिलाप से सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब बनेगा। रसूब कहते हैं कीमियाई अमल के दौरान जो चीज़ तहनशीं हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, वो रसूब कहलाती है। तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब बनेगा। कीफ का तोल दोबारा मालूम करें। देखें पहले हमने कीमियाई अमल से पहले दोनों महलूलों का वजन किया है दाएं तरफ वाली तस्वीर में, और जब कीमियाई अमल हो गया है उसके बाद फिर वजन किया है, क्या होगा आप देखेंगे कि तजुर्बा से पहले और बाद मालूम करदा तोल बराबर है। पस साबित हुआ कि कीमियाई अमल के दौरान मुतामलात और हासिलात का तोल बराबर होता है। मुतामलात वो चीज़ें जो कीमियाई अमल से पहले होती हैं, और कीमियाई अमल के बाद बनने वाली चीज़ें हासिलात कहलाती हैं, प्रोडक्ट्स। तो दोनों का वजन बराबर हुआ। ये है कानून बकाए मादा। एक सोचने की बात है कि कुछ कीमियाई तामलात ऐसे हैं जिनके दौरान में ऐसा महसूस होता है कि शायद मादा तबाह हो गया है, मसलन कोयले और लकड़ी वगैरह का जलना। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनते हैं। अगर हम तजुर्बा से पहले मुतामलात का तोल और तजुर्बा के बाद हासिलात का तोल देखें तो यकीनन बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ, बाकी आपने खुद देना है। इसलिए कि जब कोयला जलता है या लकड़ी जलती है तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, पानी और इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इन सब चीज़ों को तोला जाए फ़ज़ा से इकट्ठा करके, तो फिर आप सोचें कि लकड़ी और कोयले के बराबर होगा कि नहीं। आइए बच्चों पढ़ते हैं कानून मुस्तकिल तनासुब, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाम से जाहिर है कि ऐसा कानून जिसमें चीज़ों का तनासुब एक जैसा रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ चाहे किसी भी ज़रिए से हासिल हो, किसी भी तरीके से बने, उसमें पाए जाने वाली चीज़ों का तनासुब एक जैसा रहता है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। हम किसी कीमियाई मुरक्कब को कई ज़राए से हासिल कर सकते हैं या तजुर्बा गाह में मुख्तलिफ कीमियाई तामलात के नतीजे में बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी एक कीमियाई मुरक्कब है जिसे हम दरिया, कुआं, चश्मा, बारिश और समंदर वगैरह से हासिल करते हैं। इसी तरह तजुर्बा गाह में पानी कई कीमियाई तामलात के ज़रिए बनाया जा सकता है। हम पानी को किसी भी ज़रिए से हासिल करें, इसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वज़न सादा नस्बत के लिहाज से 1:8 होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा, चाहे पानी किसी भी तरीके से हासिल किया जाए। आगे मैं बताता हूँ कि 1:8 का क्या मतलब है। यह है बच्चों फार्मूला पानी का, H2O यानी 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का वज़न 1 होता है, ये 2 एटम है इसलिए हाइड्रोजन का वज़न 2 हो गया, और ऑक्सीजन का वज़न 16 होता है। तो 2:16 में पाए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और 2 कट गया
और तो ये बन गया एक निस्बत आठ। तो एक निस्बत आठ से वजन के लिहाज से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में पाए जाते हैं। पानी को चाहे किसी भी तरीके से हासिल किया जाए, किसी भी जरिए से हासिल किया जाए, वजन के लिहाज से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निस्बत एक निस्बत आठ ही होगी। इसी तरह बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम मुख्तलिफ ज़राए से हासिल कर सकते हैं, मसलन कोयले के जलने से, सुई गैस के जलने से, और चूने के पत्थर के साथ नमक के तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामल से। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी तरीके से भी हासिल करें, इसमें मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदारों का तनासब 3:8 ही होगा। आगे इसकी भी मैं वजाहत करता हूँ। बच्चों, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा कीमियाई मरकब में मौजूद अनासर के वज़न में निस्बत एक जैसी ही होगी, चाहे उसको मरकब को किसी भी तरीके से बनाया जाए या हासिल किया जाए। यहाँ से समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की वज़न के लिहाज से निस्बत 3:8 कैसे बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है। कार्बन का वज़न बच्चों 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन के चूंकि दो एटम हैं तो 16 × 2 = 32, तो 12:32। इसको हम मुश्तरका हिस्से से तकसीम करते हैं, 4 से तकसीम कर दिया 32 को भी और 12 को भी, तो 3:8 आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की निस्बत 3:8 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से बनाया जाए या हासिल किया जाए, तो वजन के लिहाज से कार्बन और ऑक्सीजन की निस्बत उसमें 3:8 ही रहेगी। इसे कहते हैं कानून मुस्तकिल तनासब, यानी जिस चीज़, जिन चीज़ों से मिलके कोई मरकब बना है उसमें उन चीज़ों या उन अनासर की निस्बत एक ही होगी, चाहे वो मुरक्कब किसी भी जरिए से बना हो। बच्चों, सबक तो हुआ हमारा खत्म, और अब हम देखना चाहते हैं कि आपने क्या समझा है, कुछ समझा भी है या सिर्फ रट्टा ही लगाया है। पहला सवाल है कि तबी और कीमियाई तब्दीली में क्या फर्क है, और दूसरा सवाल कि कीमियाई मसावात हमें कौन कौन सी मालूमात देती है, और ये भी बहुत आसान सवाल है कि लोहे को जंग क्यों लगता है, और अगला सवाल है आयनी बंधन और शरीक गिरफ्ती बंधन में क्या फर्क है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में, और ये बहुत आसान सवाल कि आयनी मुरकबात किस काम आते हैं, और ये भी बहुत आसान सवाल है कानून बकाए मादा क्या है, और ये है बच्चों आपके इम्तिहान का आखिरी सवाल, कानून मुस्तकिल तनासब की मिसाल से वजाहत करें। अभी अभी पढ़ा है ना आपने।